हेलो गाइस, वेलकम न्यू ब्लॉग। एक्चुअली हुआ क्या, मेरा जो फ्रिज था वो ख़राब हो गया। तो उसका एक्चुअली कंप्रेसर ख़राब हो गया था, जिसके थ्रू पानी ठंडा होता है। तो पानी ठंडा जिससे होता है तो वो ख़राब हो जाने के कारण काफ़ी दिनों से बंद था। सो एक अभी हम लोगों ने नया कंप्रेसर लाया है, मिस्त्री से पूछ के कि कौन सा कंप्रेसर सही रहेगा। तो उन्होंने वर्लपूल का बताया कि वर्लपूल का आप ले लीजिए, वो जो कि बेस्ट रहेगा। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो मिस्त्री कैसे कैसे बना रहे हैं, ठीक है। गाइज आप लोग देख रहे होंगे, उन्होंने पाइप को अपने हाथ से बांधा हुआ है। एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें जो पाले का गैस होता है ना, तो उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इसको कैसे निकाल रहे हैं, उसको हीट करते तो उसके अंदर जो गैस रहता है ना, वो ऑटोमेटिक बाहर फेंक देता है। तो आप देखिए कैसे प्रेशर बना रहे हैं। कंप्रेसर में अभी पाइप का कनेक्शन किया जा रहा है। छोड़ दो उसको। ये मिस्त्री पाइप काट रहे हैं, तो इस पाइप को काटने के बाद ये कंप्रेसर के दूसरे छोर पे लगाया जाएगा, जो कि अभी लगा दिया गया है। सो अभी आप देखेंगे इसको कसा जाएगा, फिर उसको इसमें छोटी सी पाइप रहेगी, उसको भी यहाँ पे डाल के देखिए पिला से कसा जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो पाइप दोनों साइड एक सिरे और दूसरे सिरे पर लगाया, तो अभी इसको प्रॉपर हीट किया जाएगा। हीट के थ्रू इसको मेल्ट करके, जैसे वेल्डिंग नहीं होता है वैसे वेल्डिंग किया जाएगा इसका। आप देख रहे होंगे वेल्डिंग किया जा रहा है, और ये पत्ती से इसको प्रॉपर कसा जा रहा है, कहीं से भी गैस का लीकेज ना हो। वैसे ही दूसरे साइड पे भी वेल्डिंग किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे पत्ती से वो डाल के वो प्रॉपर अच्छे से कर रहे हैं वेल्ड। अभी ये क्या है, ये जो कंप्रेसर होता है ना, मतलब जो गैस नापने वाली मशीन होती है, ये गैस नापने वाली मशीन है। सो ये अभी पूरा यहाँ पर भी आप देख रहे हो छोटा सा पाइप, वो जिसमें से गैस पास होती है, यहाँ से भी गैस का लीकेज चेक किया जा रहा है। मतलब गैस जो ऑलरेडी है उसको बाहर निकाला जा रहा है, पहले की गैस को बाहर निकालने के बाद इसको फिर से इसको बंद किया जा रहा है। इसकी छोर को जो खुला हुआ था उसको बंद कर दिया गया है। ये है वो गैस जो कंप्रेसर के अंदर भरा जाएगा। अभी ये पाइप का कनेक्शन किया जा रहा है, ये कनेक्शन कंप्रेसर के साथ भी जोड़ा जाएगा। और ये जोड़ने के बाद फिर यहाँ से गैस को कंप्रेसर के अंदर रिलीज किया जाएगा। अब देखिए कैसे किया जा रहा है, प्रॉपर अच्छे से कस रहे हैं। फिर वो यहाँ से देख रहे हैं गैस अभी निकल रहा है, प्रॉपर कसा जा रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा गैस रिलीज किया जा रहा है, और यहाँ से भी थोड़ा सा, अभी ये गैस प्रॉपर कंप्रेसर के अंदर पास हो रही है। और ये चेक कर रहे हैं कि ये हीट हो रहा है। अभी ये जो जाली है, जब गैस जैसे जैसे गैस पास होती है, तो ये जाली गर्म होता जाता है। गर्म होता है तभी आपका अंदर जो पानी रहता है वो ठंडा होता है। तो बहुत एकदम डायरेक्ट रही तो बर्फ न जमे, मोटा पाइप से ये पतला रही तब जाके जमे, मतलब पूरा गर्म हो जाए। हाँ, जैसे मोटा पाइप रही ना, जैसे डायरेक्ट तू डाल देला तो हमारे बर्फ फिल्टर में न भरे। ये फिल्टर के यहाँ तो रुकी गैस, फिर उसके बाद इकड़े थ्रू धीरे धीरे जला, बहुत थोड़ा थोड़ा। मेन कर दिना चली गैस भराई, सब दिन चली, तब कभी खत्म ना होला। जब से कहीं लीकेज ना हो या खराब ना हो, 10 साल 20 साल 25 साल, मतलब एक बार फिल करे तो जब तक खराब नहीं, 20 साल तक चले। हाँ, आराम से। या कि मन जैसे अब जलिए बा सड़ गए, वहाँ से गैस निकल गए, फ्रीजर में बा बर्फ जमल, कोई कोट दे ले। जैसे कि बर्फ ज्यादा जम गए तो के बंद कर दे मशीन। इनमें ये का डाला था, ये एल्कोहल, एल्कोहल दारू। हाँ, यो के दारू पिया जाए वो मास्टर रस्से डाला ना, जैसे अंदर डाला तो खत्म हो जाला मॉइस्चर। हमने इतना फास्ट कोई थोड़ी काम कर रहा, हमें तो एक दिन में कम से 25 मशीन हम तैयार कर दे। 25 अभी ना एक नया मिट्टी आ जाए ना, तो तुके बता, 1 घंटा पहले जोड़ा मुके लगी।
हाँ ये सब तू फटाफट कर देना है, हाँ वो तो बैठाओ में के टाइम लग जाएगी। वही वही समस्या होला पहले। अब वो अगला जोन रहल समझ ले कि दूर से 2.5 से ज्यादा ना कर पावे। आप 20 कर देना, हम शुरुआत में नया नया गली फुर्ती प्लस समझदारी अपन हैबिट रहा काम कर पहले चिड़ई गाँव हमारे अभी ये जाली धीरे धीरे गर्म हो रही है। 77 जैसे जैसे गैस पास होती है तो ये जाली गर्म होता है और अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा। कितना रहा कि चाहिए? 4-5। साबुन गैस पूरी भरी चल चुकी है तो अभी इन्होंने मेरे से साबुन मांगा। साबुन से भी लीकेज चेक करेंगे। लीकेज से कैसे चेक करेंगे? वो साबुन लेंगे, उसको रब करके जहाँ जहाँ जॉइंट हो वहाँ पे लगाएंगे तो इनको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे लीकेज। अगर लीकेज रहेगा तो वो वहाँ से दोबारा आपको निकल जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे ये फ्लिक्स इसको ओपन कर दिया गया है। ओपन इसलिए कर दिया क्योंकि इसके जो ये जो सामने दिख रहा है ना वहाँ पे लीकेज था, तो इनको फिर से इसको ओपन करके इसके अंदर जो वैक्यूम था उसको पूरा वैक्यूम करेंगे। सो ये प्रॉपर फिर से इसमें गैस भरा जाएगा। सो आप वहीं पे लीकेज था तो इसको फिर से वेल्ड किया जा रहा है, मतलब वेल्ड कर दिया जाएगा तो जो लीकेज थे वो बंद हो जाएगा। सो बच्चों से वो जाने फिर से इसमें गैस भरा जाएगा। यहाँ से फिर से गैस निकाला जा रहा है, पूरा अंदर वैक्यूम किया जा रहा है। सो ये पूरा गैस निकलने के बाद इसको फिर से बंद कर दिया जाएगा इस छोर को। देख रहे हैं पूरा चेक कर लिया गया। अब ये इसको हमने 2700 को लगाई लगा मिला राम के। अब फिर से इसके अंदर गैस को मारा जाएगा, फिर से इसका मेजर किया जाएगा। कभी खराब है अभी फिर से लीकेज को चेक किया जाएगा। ये साबुन है, रिन साबुन है। रिन साबुन को लेके जहाँ जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हर एक जगह चेक किया जा रहा है कहीं लीकेज तो रह तो नहीं गया है। फिर पूरा ऐसे ही चेक करेंगे। सही हो जहाँ रही ना तो लीकेज गुज्जा मारे लगे। नहीं हमने बिना चेक कर लिए हटित नहीं चेक फिर दोबारा डब्बा में कंप्रेसर में फिर से गैस को भरी जा रही है। अब उस साइड से जिस साइड से कंप्रेसर में गैस भरी गई थी उस छोर को बंद किया जा रहा है। बंद होला मशीन ना तो पुलिस अभी आप देख रहे होंगे इसको अच्छे से लाइटिंग कर रही है। ये इनका लाइटर है, ये गैस है एक्चुअली एलपीजी गैस है। इसको ये देख रहे हैं इसको अच्छे से बंद कर देंगे। इसी छोर से भरा गया है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फाइनली अपना फ्रीज बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।